हेलो स्टूडेंट्स, तो सोनाक्षी एकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड कैटलिस्ट का लेक्चर नंबर 4th लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले अपने 9 रिएक्शन पढ़ लिया है। कौन कौन सी पढ़ ली है? एक तो एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड अपनी पढ़ी थी डिसोसिएशन रिएक्शन, थर्ड अपन ने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ पढ़ी थी स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, सिक्स्थ पढ़ी थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेवन्थ अपने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एट्थ पढ़ी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाइन्थ पढ़ी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आज 10वीं और ये लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें अपन देखो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये होता है कि पूछेगा आपको रिएक्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखी है, और आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर से ऑक्सीडेशन कौन सी है और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है। पहले तो देखो जो आपके बुकों में डेफिनेशन दी हुई है उसी से करके दिखाएंगे। फाइनल में अपन देखो एक बढ़िया ट्रिक है जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, वो लास्ट में बताएंगे, सभी एग्जांपल को एक साथ वापस देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं वो आपके बुक में से लिए गए हैं और कुछ बाहर से हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है यहाँ पे, कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर अपन बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन के अंदर यह होता है कि अगर आपके रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो किसी रिएक्शन के अंदर, इसका उल्टा है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये चार पॉइंट ध्यान रख ले, या तो एक काम कर लो ऑक्सीडेशन वाले याद रख लो या रिडक्शन वाले याद रख लो, उसके अपोजिट कौन से हो जाएंगे, जो रिएक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी। जैसे आपने याद रखा ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक याद रखो उसका अपोजिट दूसरा हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो यानी ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट के अंदर है ना, जो रिएक्शन होगी उस रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर वहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर जो एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। फिर है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है किसी रिएक्शन के अंदर या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन कहलाएगी वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, याद कर लें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसके एग्जांपल होंगे? ऑक्सीडेशन की। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके एग्जांपल होंगे? रिडक्शन रिएक्शन की होंगी। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल अपन पहचानते हैं इन्हीं के द्वारा। तो देखो कॉपर प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर जब इसको हीट करेंगे तो 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड के अंदर ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ ऐड हो रहा है, देखो ऐड होके और कंबाइंड फॉर्म में आके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। समझ में आ गई ना बात ये? ठीक है, ये भाई सॉलिड होगा तो 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पर अपने हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब ये कॉपर है ना, इसके साथ ऑक्सीजन जब ऐड हो जाएगी तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट दिखेगा वो ब्लैक कोटेड थिन लेयर, उसके ऊपर जमनी स्टार्ट हो जाएगी कॉपर के ऊपर। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इस वजह से ये वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ जिंक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इसको भी हिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जिंक है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है यानी एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, और एडिशन ऑक्सीजन होती है तब अपन उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसकी पहचान आप कैसे करोगे? तो ये देखो लास्ट में आपको येलो कलर का दिखेगा। ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड किस कलर का दिखेगा? येलो कलर का, और जिंक होता है ऑलमोस्टली ब्लैक ब्राउन इस कलर का होता है,
तो जिंक ऑक्साइड जब बन जाएगा तो आपके येलो कलर का ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O टू गिव H2O एंड कॉपर। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है ये देखो और यहां पर कॉपर है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और प्रोडक्ट में कॉपर है यानी ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कौन सा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन का एग्जाम्पल है, तो यहां पर तो हो जाएगी रिडक्शन बिना कुछ सवाल के, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी। यहाँ देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इस वाले केस में देखो भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या बन रहा है H2O, ठीक है ना, यहाँ H2 है और यहाँ पे H2O बन रहा है यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ की तरफ चलते हैं, यहाँ है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बना रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ क्या है कंबाइंड फॉर्म में है, और आगे जाके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो गई है प्रोडक्ट के अंदर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ है ये रहा, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ चलते हैं, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस है क्लोरीन, तो यहाँ पे बना रहा है HCl और सल्फर। इस वाले एग्जाम्पल यहां पे देखो गौर कीजिए आप कि यहां पर क्या आ रहा है H2S है वो सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यानी हाइड्रोजन का यहाँ रिमूवल हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है ये रही, और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पर जो क्लोरीन है देखो यहाँ पे जो Cl2 है यहाँ पे HCl बना रहा है यानी हाइड्रोजन का यहाँ एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है ये रहा यानी यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक ही एग्जांपल के अंदर है अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सिक्स्थ की तरफ चलते हैं, यहाँ है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे हो रहा है H2O और 2 मोल्स ऑफ सल्फर, तो यहाँ पर देखो आप H2S है और यहाँ पर क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ सल्फर, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं कि यहाँ पर O2 से H2O बन रहा है, O2 से H2O बन रहा है यानी H2O का हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये लो रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। सेवंथ देखो H2 प्लस Cl2 HMu, HMu का मतलब हो गया यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, तो H2O प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब मिला देते हैं तो यहाँ पर बनेगा 2 मोल ऑफ HCl, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जिस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, तो ये लो भाई रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एट्थ, एट्थ के अंदर क्या है यहाँ पे इथीन है, ठीक है यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये इथीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है निकल की प्रेजेंस में, टेम्परेचर रखा जा रहा है 473 केल्विन और प्रेशर रखा जा रहा है 100 ATM का, तब उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्केन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एल्केन बन जाएगा या फिर मेथ एथ हो गया तो एथेन बन जाएगा, और यहाँ पर ये क्या दिया तो था इथिन दिया हुआ था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं भाई, देखो यहाँ CH2 CH2 है, यहाँ CH3 CH3 यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एड हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा रिडक्शन, तो इस एग्जांपल के अंदर आपके रिडक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, पूरे एग्जांपल हमने यहाँ पे 8 एग्जांपल ले लिए, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं कुछ और बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, बंटन किया गया तो वो भी एक बार देख लेते हैं, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट आपके बुक में ये कुछ एक एग्जांपल दिए हुए हैं और वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझाया जाता है किसी और बेस पे, वो बेस अपन समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखो आपको दो नाम याद यहाँ पे दिखेंगे, एक तो होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक दिखेगा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। पहले देख लेते हैं ये दो होते क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन कौन से इलेक्ट्रो नेगेटिव है।
तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब तो हो गया जिसके ऊपर जो स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज रखती है अपने ऊपर, जैसे मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, ठीक है, जिंक के ऊपर +2 है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, तो ये जितने भी है जिसके अंदर मेटल जितने भी हो गए ऑलमोस्टली आप ये कह सकते हैं जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है ना, रिच इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑलमोस्टली नॉन मेटल या फिर गैसेस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल और गैसेस ये सभी के सभी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, और इनके ऊपर लोन पेयर वगैरह इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा होते हैं तो इन वजह से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो ना उनको बोलते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे वो होगी जिसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो वो होगी अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होगी, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हटे, ठीक है, हटना मतलब यहाँ पर रिमूव होना, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जस्ट इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर इसका अपोजिट लिख देंगे कि जिस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो, नेगेटिव एलिमेंट हो, तो वो वाली जो रिएक्शन होगी उनको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो याद रखिए, एक याद रख लो, या तो रिडक्शन वाला याद रख लो या ऑक्सीडेशन वाला, और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो रहा है या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी कि जिसके अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखो ये एग्जांपल दिए गए हैं, सभी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है 2 मोल्स ऑफ Ki+Cl2 और यहाँ पे बना रहा है KCl और H2, ठीक है। तो ये देखो अपन एक एक करके देखते हैं, इसके अंदर रेडॉक्स हो रहा है तो Ki से यहाँ पर I2 बन रहा है, Ki से यहाँ पे I2 बन रहा है, और के यानी मेटल हो गया भाई, मेटल है ना के, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, मेटल है, क्योंकि उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 का होता है, K+, ठीक है ना। तो यहाँ से के क्या कर रहा है, I2 के अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ के का रिमूव हुआ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे I से आयोडीन बन गई और के यहाँ पे रिमूव हो गया इस वाले केस के अंदर। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो Cl2 यहाँ पे बना रहा है 2 मोल ऑफ KCl, तो यहाँ पे Cl2 के साथ कौन जुड़ा है, के, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा रिडक्शन और उस वाले केस के अंदर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपका है H2S+Cl2, ये अभी देखा था 2 मोल्स ऑफ HCl+ सल्फर, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि ये Cl2 है और यहाँ पे क्या बना रहा है, HCl, यानी Cl2 के साथ कौन जुड़ा है, H, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, यानी ये कौन सी स्पीसी हो गई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का जब एडिशन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, देख लो H2S है, H2S से सल्फर बन रहा है, तो यहाँ पे देखो H है ना, यानी H+ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे देखो H2S से S बन रहा है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि H है यानी H+ है, और H+ यहाँ पे क्या करा रहा है, आपके
अच्छा यहाँ पे यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक मिनट, नेक्स्ट देखो, थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए रोकना पड़ा बीच में। तो नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल देखो कौन सा हो गया, ये हो गया। अब ये चलते हैं अगले पे, Cl2 प्लस मैग्नीशियम बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम मेटल है और मेटल के साथ ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या नेक्स्ट अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसके अंदर है 2 मोल्स ऑफ के यानी पोटेशियम और यहाँ पे आयोडीन एडिशन हो रहा है। यानी आयोडीन यानी मैंने बताया था भाई गैसेज और जो जो नॉन मेटल होते हैं, देखो आयोडीन भी नॉन मेटल है, तो ये जब इसके साथ ऐड होके क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ KI। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो के साथ है ये आयोडीन एडिशन हो रहा है। तो आयोडीन का जब एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे देखो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो देखो कहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये रहा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम और क्लोरीन जुड़ के, ये तो सेम ही आ गया भाई, ठीक है ना, ये सेम आ गया, रहने दो। नेक्स्ट देखो क्या है कि FeCl3 वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ FeCl2 और HCl बना रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि FeCl3 और यहाँ पे क्या हो रहा है FeCl2, यानी क्लोरीन का यहाँ पे रिमूव हुआ है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब रिमूवल होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे Cl यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आप इतने एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन पर क्लासिफिकेशन किया गया है और ये सब के अंदर चलता है अभी एक जो ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे होगी। तो अगर कहीं पर भी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और सेकंड ये है रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन के अंदर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं, इसके अंदर क्या कर रहा है, सोडियम है ना, वो Na+ बना के एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है यानी डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड देखो यहाँ पे Fe2+ है, वो Fe3+ बना के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2Cl है, 2Cl- है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके और Cl2 बना रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो आप अब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, या 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि अन्य प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मतलब कई समझ लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ऐड नहीं हो रहा, वो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर प्लस आता है। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ अन्य प्लस आ गया, जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन 2 निकालता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है और वहाँ पे Al+3 बना लेता है। ठीक है ना, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखना, जहां पर रिमूव होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा के हमेशा राइट साइड में लिखे जाते हैं, राइट साइड के अंदर लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जितने भी रिमूव होंगे वो हमेशा राइट साइड के अंदर लिखे जाएंगे। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, यानी डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो वो राइट साइड में लिखे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जितने रिमूव होंगे उसके ऊपर प्लस चार्ज आता जाएगा। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1, 2 हो गए तो +2, 3 हो गए तो +3, तो इस प्रकार से चलता रहता है। नेक्स्ट है अपने रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो क्या है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और Cl- बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये कौन सी एग्जाम्पल हो जाएगा रिडक्शन का।
नेक्स्ट है MnO4, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO4-2 बना रहा है, ठीक है। तो ये भाई कौन सा हो जाएगा एग्जांपल है रिडक्शन का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। फिर Mg+2 है, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। अब वैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, 9th क्लास में आपको बताया गया था कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने गेन होंगे उस पर माइनस का चार्ज आता जाएगा। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वहाँ पे Cl- बना दिया, ठीक है। MnO4 जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वहाँ -2 चार्ज आ गया है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे वो माइनस के अंदर आएगा, और जितने जो निकलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है ना, जितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना है। जितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड के अंदर लिखे जाएंगे। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं बता रहा था कि इन सभी एग्जाम्पल को आप एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं जो सभी के अंदर चलेगा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वो सभी उस ट्रिक से करके दिखाता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बाकी कुछ याद मत रखो, वो ट्रिक याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन, यूं एकदम पलक झपकते ही आप पहचान जाओगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, नेक्स्ट अपने देखो, ये जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना। यहाँ पे ट्रिक लगती है, वो लगती है ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक, ठीक है ना, किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार पकड़ लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार आप नॉर्मली या फिर जनरली आप यही मानिए क्लास 10th के अंदर कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जो इनके ऊपर चार्ज होता है ना, जैसे कॉपर के ऊपर वगैरह ये +2 वगैरह ये चार्ज लगते हैं ना, जो +2 +3 जैसे एल्युमिनियम के ऊपर +3 है, तो वही उनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है तो +2, एल्युमिनियम की पूछता है तो +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल के आती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती दिखाई दे तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कहीं पर भी इंक्रीजिंग होती है तो वहां पे वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं पर भी डिक्रीजिंग होती है तो वहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डिक्रीजिंग हो रहा है तो रिडक्शन। देखो रिडक्शन यानी रिड्यूस, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर रिड्यूस हो रही है तो वहां पे रिडक्शन, और इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, बात को समझना यहाँ पे। अब जो जितने भी सॉलिड मेटल वगैरह जितने भी है ना, जो एकदम मतलब कोई भी उनकी वैलेंसी वगैरह कुछ नहीं है उसकी, जैसे गैसेज हैं और जितने भी अपने नॉर्मल मेटल एक्टिव मेटल्स वगैरह जितने भी है, तो उनके ऊपर जैसे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तभी होती है जब वो एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिए या गेन कर लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। अब इन सभी एग्जाम्पल को अपन इस मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। देखो सबसे पहले कॉपर, ये O2 के साथ है, जुड़ के बना रहा है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर देखो कॉपर है ना, ये मेटल है, तो यहाँ पर इसकी जो चार्ज है ना, जो ऊपर है वो 0 है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो Cu है, ठीक है, कॉपर के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, +2 आ रहा है। तो देखो 0 से +2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपने नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जिंक, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो जिंक के ऊपर चार्ज है 0, और यहाँ पर देखो ये +2 के फॉर्म में मिलेगा आपको, तो 0 से +2 हो रहा है यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग हो रही है, तो इंक्रीजिंग हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में है कि कॉपर ऑक्साइड वो H2 और H2O बना रहा है और कॉपर बना रहा है, तो यहाँ पे देखो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है और यहाँ पे 0 है, तो 2 से यहाँ पे 0 आ रहा है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम और O2 बना रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 के फॉर्म में, और यहाँ पर ये है जो मैग्नीशियम वो 0 के फॉर्म में है, तो +2 से 0 यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि +2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे घटी है यानी डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। फिफ्थ में देखो H2S है और Cl2 और HCl और सल्फर बना रहा है,
यहाँ पे सल्फर देखो क्या है, माइनस टू के फॉर्म में मिल रहा है सल्फर, यहाँ पे क्या है माइनस टू के फॉर्म में मिल रहा है और यहाँ पर बना रहा है सल्फर जीरो, ठीक है। तो सल्फर देखो माइनस टू से जीरो बना रहा है, बात को समझिए कि यहाँ पर सल्फर माइनस टू से जीरो बना रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन जीरो पे गैसेज में जीरो पे मिलेगी और यहाँ पर माइनस वन के रूप में, तो जीरो से क्या हो रहा है माइनस वन हो रहा है, यानी रिडक्शन होगा यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा। सिक्स्थ है, यहाँ पे H2S और ऑक्सीजन है और यहाँ पे बना रहा है H2O एंड सल्फर, वही बात यहाँ पे भाई सल्फर माइनस टू में है और वहाँ पे जीरो पे है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हुआ है, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, ठीक है रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा। नेक्स्ट सेवंथ एग्जाम्पल में है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं HCl बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन वगैरह जीरो में है और यहाँ पर देखो प्लस वन के रूप में है, तो जीरो से प्लस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, जीरो से प्लस वन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं एट्थ एग्जांपल की ओर, तो यहाँ पे टू मोल्स ऑफ के आई और सी एल टू कंबाइन हो गया, के सी एल प्लस आई टू बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के आई और यहाँ पे सी एल टू है, तो पोटेशियम वन पे और आयोडीन यहाँ पे माइनस वन पे, ठीक है, और वहाँ पर भी ये प्लस वन पे है और क्लोरीन यहाँ पे क्या है माइनस वन पे है, तो आप यहाँ पर देखो कि क्लोरीन यहाँ पे जीरो पे है और वहाँ पे माइनस वन पे है, तो क्लोरीन यहाँ पर देखो किस फॉर्म में मिल रहा है जीरो से माइनस वन में, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि माइनस वन है यहाँ पे आयोडीन के ऊपर और वहाँ पे आयोडीन के ऊपर जीरो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इंक्रीजिंग हुई है। फिर देखते हैं ये मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे जीरो पे है और वहाँ पे प्लस है टू पे है, तो देखो जीरो से प्लस टू यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग हुई है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर इस एग्जांपल की ओर देखिए, FeCl3 और यहाँ पे है FeCl2, यहाँ पे F है वो प्लस थ्री के रूप में और वहाँ पे प्लस टू के रूप में, तो प्लस थ्री से प्लस टू की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि प्लस थ्री से प्लस टू आया यानी डिक्रीजिंग हुई है, तो डिक्रीजिंग हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जीरो पे है और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वन पे है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि जीरो से प्लस वन यानी इंक्रीजिंग हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इंक्रीजिंग होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेवंथ में देखिए, सोडियम बना रहा है एन ए प्लस और वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ सोडियम जीरो पे है वहाँ पे प्लस वन पे है, तो जीरो से प्लस वन हो रहा है यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है। नेक्स्ट देखिए Fe2+ से Fe3+ वन इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो यहाँ पे प्लस टू है और वहाँ पे प्लस थ्री है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, क्यों होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग हुई है, प्लस टू से प्लस थ्री पे जा रहा है। 13 देखो, मैग्नीशियम वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम बना रहा है, तो यहाँ प्लस टू है और यहाँ पे जीरो है, तो प्लस टू से जब जीरो में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीजिंग हुई है यानी यहाँ पर होगा रिडक्शन। 14 देखिए, जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ एड होकर जिंक को सल्फेट और कॉपर बना रहा है, तो जिंक यहाँ पे जीरो पे है और यहाँ पे जिंक प्लस टू के फॉर्म में मिलेगा, तो जीरो से प्लस टू जब जा रहा है, जीरो से प्लस टू जा रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होगी तो हमें बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर देखो प्लस टू के फॉर्म में और वहाँ कॉपर जीरो के फॉर्म में, तो टू से प्लस टू से जीरो के अंदर जा रहा है, प्लस टू से जीरो यानी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग हुई है। नेक्स्ट देखो Fe2O3 और यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो Fe और 3 मोल्स ऑफ CO2 बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि Fe2 और यहाँ पे देखो प्लस 3 के अंदर है, Fe है वो क्या है यहाँ पे प्लस 3 पे है और यहाँ है जीरो, तो Fe है वो प्लस 3 से जीरो के अंदर जा रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आप देख के सकते हो कॉपर ऑक्साइड है, ये तो देखो जीरो पे रहेगा और जो गैस है वो भी देखो जीरो पर ही रहेगी, ठीक है ना। अगर ऐसा केस फंस जाए तो आपको उनको जरूरत लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो CO है और वहाँ पे CO2 यानी एक ऑक्सीजन एड हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। वैसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन के साथ एक एटम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कार्बन के साथ दो एटम जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। वो बहुत हायर क्लासेस की बात हो गई, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, तो यहाँ इसे समाप्त करते हैं।
उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट स्टार्ट करें, एक या दो लेक्चर बनेंगे कैटलिस्ट पे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, फिर अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा कैटलिस्ट पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा